ब्रॉड फॉरवर्ड को भूल जाए ताकि मिक्स ना हो। डबल है हमारे पास, कितना है 40,000 का, ब्रॉड फॉरवर्ड को भूल जाए। बाज दफा क्या होता है ये डबल ए रिड्यूस भी होना शुरू हो जाता है। अब ये डबल ए रिड्यूस कैसे होगा, तो ये डबल ए रिड्यूस करने का तरीका बता रहा हूं। रिड्यूस कैसे होगा देखें, अगर आपकी एडजस्टेड इनकम, कौन सी इनकम, एडजस्टेड इनकम 150,000 से बढ़ जाए, देन आपका जो भी डबल ए है करंट ईयर का विल बी रिड्यूस्ड, फिर आपका डबल ए रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे ANI 1,00,000 पे होता है ना, ऐसे एडजस्टेड इनकम का थ्रेशोल्ड है 1,50,000। अगर किसी का एडजस्टेड इनकम 1,50,000 है तो उसका डबल ए पूरा होगा 40,000। अगर किसी का एडजस्टेड इनकम 1,60,000 हो जाता है और वो पहुंच जाता है फॉर एग्जाम्पल 1,60,000 में, तो अब उसका डबल ए रिड्यूस हो जाएगा। अब उसका डबल ए कितना होगा मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, देखें डबल ए कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम क्या करेंगे, उसकी एडजस्टेड इनकम लेंगे 1,60,000, थ्रेशोल्ड कितना है, एक्सेस निकालेंगे और उसको हाफ कर देंगे, कितना हो गया 1,60,000। ऐसी एक कैलकुलेशन हमने की है। हाँ बिल्कुल की है, पर्सनल अकाउंट्स में। अब उसका डबल ए कितना हो गया, अब उसका डबल ए रिड्यूस होके कितना हो गया 35,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एडजस्टेड इनकम में और बढ़ाऊंगा तो डबल ए और रिड्यूस हो जाएगा, क्या ख्याल है। तो मैं एडजस्टेड इनकम लेके चला जाता हूं, फॉर एग्जांपल 2,00,000 कर देता हूं। अगर एडजस्टेड इनकम 2,00,000 हो तो फिर देखें कितना होगा, 2,00,000 माइनस 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो कितना होगा रिडक्शन 25,000 रिडक्शन। तो मेरा अवेलेबल कितना हो जाएगा 40,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू, सही। अच्छा ये जो डबल ए है क्या ये जीरो हो सकता है, तो इसका आंसर है नो। डबल ए गिरता जाएगा लेकिन ये 10,000 पे जाके रुक जाएगा, ये बात थोड़ी सी टेंशन वाली है। पर्सनल अलाउंस गिरता जाता है, जीरो पे जाके रुक जाता है, लेकिन जो आपका डबल ए है वो 40,000 से गिरता जाएगा, एक टाइम आएगा वो 10,000 पे जाके रुक जाएगा, आप उसको फर्दर डिक्रीज नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 में से कितना रिडक्शन आ सकता है, कितना रिडक्शन आ सकता है, मैक्सिमम रिडक्शन, मैक्सिमम रिडक्शन कितना हो सकता है, मैक्सिमम रिडक्शन हो सकता है 30,000 का। 30,000 को अगर मैं चाइल्ड बेनिफिट, हाँ चाइल्ड बेनिफिट, मैक्सिमम रिडक्शन 30,000 का हो सकता है। अगर मैं 30,000 को डबल करूं तो वो 60,000 बनता है। अगर मैं 60,000 को 150 में प्लस करूं तो वो बन सकता है, वो बन जाएगा 2,10,000। सो मैंने एक रूल बनाया कि अगर एडजस्टेड इनकम, ये आप याद कर लेना, अगर एडजस्टेड इनकम 2,10,000 से एक्सीड करती है तो डबल ए ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएगा, 10,000 पे आ जाएगा। कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं,
तो हम कैलकुलेशन कब करेंगे, जब डबल ए 1,50,000 से ज्यादा हो और 2,10,000 से दरमियान हो, तब हम कैलकुलेशन करेंगे कि डबल ए 1,50,000 से, सॉरी एडजस्टेड इनकम 2,10,000 और इसके दरमियान अगर आपकी एडजस्टेड इनकम आ जाए तो आप कैलकुलेशन करके दिखाएं, वरना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर 150 या 150 से कम है तो पूरा डबल ए होगा, अगर 2,10,000 या 2,10,000 से ज्यादा हो गया तो डबल ए 10,000 पे आ जाएगा, और अगर इन दोनों के दरमियान रहा तो डबल ए 40 और 10 के बीच में कहीं आ रहा हो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल करके आपको बताई, 2,00,000 की एग्जाम्पल करके बताई और आपको 1,60,000 की एग्जाम्पल करके बताई। अब ये एडजस्टेड इनकम क्या है, व्हाट इज एडजस्टेड इनकम, ये एडजस्टेड इनकम क्या है? तो एडजस्टेड इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, तुम लोगों ने ANI का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ANI का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था, तो ANI की डेफिनेशन अलग है, एडजस्टेड इनकम की डेफिनेशन अलग है। नेट इनकम यहां पर माइनस नहीं करते, यहां पर प्लस करते, क्या प्लस करेंगे, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस करेंगे, कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उसने ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में किया होगा, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डालेंगे, कौन सा कंट्रीब्यूशन डालेंगे, जो उसने किसी भी स्कीम में किया होगा, किसी भी स्कीम में किया हो, अगर उसने ऑक्यूपेशनल में किया वो भी डालेंगे, और उसने अगर किसी एम्प्लॉय के पर्सनल में भी डाला वो भी डाल देंगे, कौन सा नहीं लेंगे, ये बात ध्यान में रहे, कौन सा नहीं लेंगे, अब एक बात बताऊं तुम्हारे, अब खिचड़ी बनना शुरू होगी, खिचड़ी क्या बनेगी कि यार नेट इनकम क्या होती है, ANI क्या होता है, और जब लॉसेस का टॉपिक पढ़ा था उसमें कैप के लिए भी हमने एक वर्ड पढ़ा था, अब यहां पर एडजस्टेड इनकम आ गई, तो फॉर्मूले केयरफुली याद करने, कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट इन करना है वो यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एडजस्टेड इनकम का कॉन्सेप्ट है ये स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा, यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस हो रहा है जो कि उसको एक्सटेंड कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक हायर इनकम वाला बंदा होगा तो उस हायर इनकम वाले बंदे के लिए डबल ए कम होने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे, और अगर एक बंदे की इनकम 1,50,000 या 1,50,000 से कम होगी तो उसको डबल ए का बेनिफिट 40,000 का मिलेगा, और उसकी टैक्स लायबिलिटी जो AA चार्ज बनने वाला है वो AA चार्ज हो सकता है उसके ऊपर ना लगे, क्योंकि जितना एनुअल अलाउंस ज्यादा होगा उतना आप चार्ज को अवॉइड कर सकते हैं। अब देखते हैं चार्ज लगता ही नहीं लगता है, चेक करते हैं, बताऊंगा चार्ज पे टैक्स कैसे लगेगा। चले पहले मैं बता देता हूं कि अगर चार्ज आता है तो उस चार्ज के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, फिर कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अगर किसी का चार्ज आ गया, फॉर एग्जांपल किसी का डबल ए चार्ज आ गया और किसी का डबल ए चार्ज आया 20,000, क्या करें, टैक्स लगेगा उसके ऊपर। तो इस डबल ए चार्ज को ना आप ट्रीट करेंगे नॉन सेविंग इनकम, और ये डबल ए चार्ज आपका, आपकी जितनी भी इनकम होगी उसका लास्ट स्लाइस ऑफ इनकम कंसिडर किया जाएगा, यानी के पहले आप तमाम इनकम पे टैक्स लगा देंगे, नॉन सेविंग के ऊपर, सेविंग के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर, उसके बाद सबसे आखिर में किसको कंसिडर करेंगे, उसके बाद सबसे आखिर में आप कंसिडर करेंगे डबल ए चार्ज को। एक सेकेंड का मैं पॉज ले रहा हूँ, जो डबल ए चार्ज आएगा उसको हम नॉन सेविंग इनकम ट्रीट करेंगे, लेकिन नॉन सेविंग इनकम कौन सी, पहले नॉन सेविंग इनकम नॉर्मल, फिर सेविंग इनकम, फिर डिविडेंड, इसके बाद इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सबसे लास्ट में लगेगा, तो देयर आर चांसेस कि उसके ऊपर रेट सबसे हायर होगा,
इट माइट बी अ 45% रेट सब कुछ कवर करने के बाद. अब एक एग्जांपल करते हैं ताकि इसमें ये होल कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो जाए. तो फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम है, उसके अंदर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसके अंदर हमारे पास रेलेवेंट अर्निंग्स है. और ये रेलेवेंट अर्निंग नॉन सेविंग इनकम ही होती है. यू नो दैट के इंटरेस्ट इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम रेलेवेंट अर्निंग का पार्ट नहीं बन सकता. एम्प्लॉयमेंट इनकम ट्रीट कर लें. इसका कॉन्ट्रीब्यूशन और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया. रेलेवेंट अर्निंग आ गई. रेलेवेंट अर्निंग जितनी बढ़ती चली जाएगी उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपका एडजस्टेड इनकम वाला कॉन्सेप्ट आएगा. और अगर वो बढ़ जाती है एडजस्टेड इनकम तो अल्टीमेटली डबल ए हो सकता है कि 40,000 ना मिले, हो सकता है रिड्यूस मिले, हो सकता है उससे भी कम हो जाए. सही है? एज्यूमिंग नो डबल ए ब्रॉट फॉरवर्ड. सही है? कैलकुलेट डबल ए अवेलेबल. डबल ए अवेलेबल और देखेंगे कितना ब्रॉड फॉरवर्ड बनता है, डबल ए चार्ज क्रिएट होता है, डबल ए चार्ज क्रिएट नहीं होता. तो अभी इसमें तो हम सिर्फ डबल ए ब्रॉड फॉरवर्ड निकाल रहे हैं या अवेलेबल एनुअल अलाउंस निकाल रहे हैं. तो जो पहला एम्प्लॉई है हमारे पास उसका अगर हम हिसाब देखें तो पहले एम्प्लॉई के अंदर हमारे पास जो एडजस्टेड इनकम बनती है, एडजस्टेड इनकम कितनी बनेगी? एडजस्टेड इनकम का फॉर्मूला, उसकी इनकम है 110,000, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर दें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का. एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 30,000. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 5,000. टोटल कितना हुआ? 1,45,000. क्या ये 1,50,000 से कम है? डबल ए 19-20 का कितना होगा इसके लिए? पूरा 40,000 का डबल ए हो जाएगा. सही? जो दूसरा एम्प्लॉय है एम्प्लॉय बी, उसकी इनकम जो हमें दी हुई है, उसकी इनकम हमें दी हुई है 2,20,000. उसमें एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है 8,000, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 2,000. तो ये 8,000 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ और 2,000 जो है वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ. टोटल कितना हो गया? 2,30,000. अब एडजस्टेड इनकम कितनी है? 2,10,000 से एक्सीड कर रही है. तो एक्सीडेड बाय 2,10,000, सो क्या लिख सकता हूँ मैं? डबल ए रिड्यूस टू 10,000. तो इसका डबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना? हाँ, क्योंकि मैंने कहा था ना 150 और 210 से बिटवीन होगा तो डबल है जो है आपका अल्टीमेटली थोड़ा सा बच जाएगा. लेकिन अगर वो 2,10,000 हो गया पूरा और 2,10,000 से ज्यादा हो गया तो डबल है 10,000 का आ जाएगा. कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो आंसर वही आएगा, रिस्ट्रिक्टेड आंसर आएगा. सी को देखें तो सी की इनकम कितनी है? सी की इनकम है 1,60,000. सी की इनकम है 1,60,000 और यहां पर एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर हम दोनों को मिला लें तो ये बनता है
12,000 और 20,000 तकरीबन 32,000 बनता है, 12,000 और 20,000 बनता है, टोटल कितना हो गया? अब ये 150 और 210 के दरमियान में है, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एनुअल अलाउंस 19-20 का अवेलेबल कितना है? 40,000। अब मैं इसके अंदर रिडक्शन डालता हूँ, रिडक्शन कितनी होगी? रिडक्शन होगी 1,92,000। इसको कंपेयर करेंगे 150 से, एक्सेस आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50% से, तो वो एक्सेस कितना होगा? 42 का हाफ 21 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा रिड्यूस्ड डबल ए। नाउ डबल ए अवेलेबल कितना होगा? अब इस सिचुएशन में क्या देखना है, इस सिचुएशन में ये देखना है कि ए के लिए जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो मैक्सिमम 40,000 होना चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं होना चाहिए, वरना डबल ए चार्ज लग जाएगा। बी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है अगर वो 10,000 से ज्यादा हुआ तो डबल ए चार्ज लग जाएगा, और सी का जो कंट्रीब्यूशन है अगर वो 19,000 से ज्यादा हुआ तो इसको भी डबल ए चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इनको डबल ए चार्ज अवॉइड करना है तो इन्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, वरना इनके ऊपर डबल ए चार्ज लगेगा और उन्हें टैक्स अकॉर्डिंगली पे करना पड़ जाएगा। सही है? अब एक डबल ए चार्ज की हम एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि डबल ए चार्ज की हमारी कैलकुलेशन भी इसके अंदर कवर हो जाए कि डबल ए चार्ज जो पे किया जाता है वो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। लेकिन ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है ना वो किसकी है? सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है आपकी, जो आपको समझनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है एनुअल अलाउंस की, क्योंकि एनुअल अलाउंस अगर क्लियर नहीं होगा तो डबल ए चार्ज कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर हम डबल ए चार्ज भी निकाल नहीं सकते। नाउ फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल डबल ए चार्ज की, तो एक एम्प्लॉय की इनकम है एंड दैट इज एज्यूम टू बी 100,000 और उसका कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस पीपीसी, उसका कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस पीपीसी 86,000 और उसका प्रीवियस कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 16, 17, 18 और 18, 19 का 17,000 है, 50,000 है और 34,000 है। कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो इसके अंदर होल कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो जाएगा कि डबल ए कितना आएगा, रिलीफ कितना आएगा और हाउ डबल ए चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड। अब इसको हम जस्ट देखें तो हमारे पास प्रीवियस से कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड नजर आ रहा है, कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड होगा? तो अगर हम पहले अमाउंट ऑफ रिलीफ की बात करें, अगर हम अमाउंट ऑफ रिलीफ की बात करें इसके अंदर, तो अमाउंट ऑफ रिलीफ का फॉर्मूला क्या कहता है? पहले हायर ऑफ चूज करेंगे और फिर लोअर ऑफ चूज करेंगे। सो लोअर ऑफ के अंदर हमारा जो अमाउंट ऑफ रिलीफ बनता है वो कितना बनता है? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ रिलीफ कितना बनेगा, लोअर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन 86,000 और एनुअल मैक्सिमम कितना होगा, तो हमारा लोअर ऑफ में आ गया 86,000, यानी कि जितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया है उतना ही मेरा अलाउंस बनेगा। तो इसमें 20% का जो बेनिफिट मुझे मिलेगा वो 20% का बेनिफिट एचएमआरसी जमा करवाएगी, 20% ऑफ 86,000 टू बी सबमिटेड बाय एचएमआरसी, दैट इज 17,200 टू बी सबमिटेड बाय एचएमआरसी। ये तो तरीका हो गया, और हमारा जो बैंड है बैंड एक्सटेंड होगा कितना अमाउंट से, बैंड एक्सटेंड होगा बेसिक रेट बैंड जो होगा वो 37,500 और उसके अंदर जो हमारा अमाउंट है 86,000 वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 110,000, 120,000, तो ये बनेगा 123,500, ये हमारा बेसिक रेट बैंड हो जाएगा। अब हमारी जो इनकम है वो इनकम हमारी जो है वो है 100,000 ना,
तो पर्सनल अलाउंस तो हमें इसके ऊपर मिलेगा, लेकिन हमें एनुअल अलाउंस ब्रॉड फॉरवर्ड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास पहले तो करंट ईयर का अलाउंस हमें पता होना चाहिए कि करंट ईयर का अलाउंस कितना है, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड कितना आया था, तो उसकी वर्किंग कर लेते हैं। सो हमारा एनुअल अलाउंस चला, अजान का ब्रेक, कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसके पास कितना अनयूज्ड ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा। तो 16, 17, 17, 18 और 18 और 19 से हम इसका पहले अनयूज्ड निकालते हैं, और अनयूज्ड निकालने के बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन फर्दर कर लेते हैं कि कितना बचेगा। तो सबसे पहले वाला देखेंगे तो 17,000 था, ठीक है, तो इसने ये 17,000 का अनयूज्ड यहाँ पर रखा, और 16, 17 में इसका अनयूज्ड कितना बचा, 23,000। फिर जब ये 17, 18 के अंदर आया, तो 17, 18 के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन जो था वो कंट्रीब्यूशन इसने इस्तेमाल किया था सत्रह अट्ठारह में कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कितना था। 17, 18 में कंट्रीब्यूशन था 50,000 का, इसका मतलब है 17, 18 का अपना 40,000 होगा, और इसने 16, 17 में से 10,000 यूटिलाइज कर लिया होगा। सही है, 17, 18 के अंदर इसने 10,000 यूटिलाइज कर लिया होगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना था, एक्सेस था, लेकिन उसने 10,000 पिछले में से यूटिलाइज कर लिया होगा। और फिर 18, 19 में इसके पास 34,000 था, तो 34,000 में से फिर इसने 6,000 बचा लिए, तो 6,000 यहाँ पर आ गए। तो हमारे पास जो अनयूज बचा वो होगा 13 और 6, 19,000, ये हमारे पास अनयूज आ गया। और इस साल का करंट कितना है, 19, 20, करंट है 40,000, टोटल कितना हुआ, 59,000। अब देखें कॉन्सेप्ट देखें कि हमारा जो ब्रॉड फॉरवर्ड और करंट मिलाकर टोटल अलाउंस बन रहा है 59,000 अवेलेबल, और हमने जो टैक्स रिलीफ लिया था, हमारा जो कंट्रीब्यूशन था जो फर्स्ट कैलकुलेशन मैंने की थी अमाउंट ऑफ रिलीफ 86,000 था, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो इस साल का है 86,000, और हमारा जो एनुअल अलाउंस है वो है 59,000। तो इसका मतलब है चार्ज लगेगा, तो हमारा जो डबल ए चार्ज होगा वो डबल ए चार्ज कितना होगा, 86,000, लेकिन लिमिट कितनी थी, 59,000 की। तो कितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन गया, एक्सेस कंट्रीब्यूशन चला गया हमारे पास से 27,000 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन चला गया, और इसके ऊपर डबल ए चार्ज लग जाएगा। अब इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, तो जो हमारी नॉन सेविंग इनकम की मैंने एग्जांपल ली थी, हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी थी, हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी 100,000, ठीक है, उसमें से हमने माइनस कर दिया पर्सनल अलाउंस, कितना मिलेगा पर्सनल अलाउंस पूरा, एडजस्टेड इनकम का कुछ नहीं करेंगे, हमें ग्रॉस पीबीसी दिया हुआ तो है। बिल्कुल गुड क्वेश्चन, कुछ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो ये जो पेंशन दी हुई है ना, ये कौन सी है, पर्सनल, और एडजस्टेड के अंदर हमारे पास ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम की कंट्रीब्यूशन होती है, तो हमारी इनकम वो ही रहेगी 1 लाख, तो वो 150 से एक्सीड नहीं किया उसने, जरूरत ही नहीं है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी स्कीम, तो इसमें क्योंकि एम्प्लॉयर की नहीं होती, क्योंकि हाँ, सिर्फ इसमें नहीं, एम्प्लॉय होता एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर पर्सनल में कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, तो जब कंट्रीब्यूट करता तो हम ले लेते। अभी एक किट का सवाल आएगा, उसके अंदर एम्प्लॉयर की पर्सनल में कंट्रीब्यूशन भी है, वो बड़ा अच्छा सवाल है, वो करेंगे ना तो उसमें और टॉपिक के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी हमारी।
ये टॉपिक है छोटा सा लेकिन बहुत चक्कर आते हैं इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को. टैक्सेबल इनकम आ गई 87,500. बैंड कहां तक पहुंचा था? 123,500. बैंड पहुंच गया था 123,500 तक. तो अब देखें मैं इनकम पे टैक्स लगा रहा हूं तो मेरा जो बेसिक रेट लगेगा नॉन सेविंग इनकम के ऊपर वो अप टू 123,500 पे लगना था. तो मेरी पूरी इनकम फर्स्ट बैंड में फॉल हो गई. कितना रेट लगा? 20%. डबल ए चार्ज कितना बन रहा था? 27,000. डबल ए चार्ज बना 27,000. डबल ए चार्ज भी बेसिक बैंड में फॉल हो गया 27,000. तो डबल ए चार्ज पे कितना टैक्स लगेगा? 20%. 5,400. ये आ गई हमारी टैक्स लायबिलिटी. सत्रह पांच बाईस 22,900. ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई. ठीक है जी. डबल ए चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डबल ए चार्ज क्या होता है और कैसे एप्लीकेबल होता है, किस तरीके से लगता है डबल ए चार्ज. चलें एक एग्जांपल और कर लेते. बुकी की एग्जांपल है. For example, ट्रेडिंग इनकम है हमारी. तुम लोगों का F5 शुरू हो गया? शुरू होना है. होने वाला है. कब होने वाला है? अभी थोड़ा टाइम. डेडलाइन नहीं दी उन लोगों ने? उन्होंने बोला था कि मई से शुरू करेंगे और वो सितंबर के लिए होगा. जून जुलाई अगस्त. अच्छा 90,000. आपने कोई प्लान बनाया कि हम मतलब किस तरह मैनेज करें इसको, इसके सिलेबस और फिर एक और पेपर जो हम ले रहे हैं? देखो अभी जब तक तुम लोगों का नहीं शुरू हो रहा ना तो तुम लोग बिल्कुल ना नेक टू नेक मेरे साथ कंटिन्यू करो और इसको खत्म करो. लाइक के जब हम इनकम टैक्स का पोर्शन अभी खत्म करने वाले हैं, इसके बाद हमारा प्रॉपर्टी का इनकम है का टॉपिक है और एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है. तो आप किट से ना वो सारा पूरा रेलेवेंट पढ़ा दो. यानी कि जब आपका F5 स्टार्ट हो तो आपका इनकम टैक्स हो चुका होगा, आपका IHT हो चुका होगा और आपका कॉरपोरेशन भी निमट चुका होगा. यानी कि आप मोर देन 60-70% सिलेबस कवर कर चुके होंगे. तो फिर बाद में आप आराम आराम से कवर करते रहे. क्यों नहीं दे सकते? सेप्टेम्बर में सबको दो पेपर देने चाहिए कम से कम, और अगर कोई दो नहीं देना चाहता तो एटलीस्ट दो पढ़ जरूर ले. और मैं तो ऑडिट भी पढ़ी हूँ. हाँ तो यू आर नॉट एडवाइज टू. आप अपना दो F5 ना दें, F6 F8 पे फोकस करें. वो ज्यादा हो जाएगा. बीच में किसी ने आवाज लगाई थी कि सितंबर के अटेम्प्ट भी कैंसिल हो गए तो क्या हुआ. इसकी लाइक्लीहुड बहुत कम है लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन लाइक्लीहुड बहुत कम है. बाकी यू नो हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है. लेकिन सीमा वाले घर से बैठ के एग्जाम ले रहे हैं मई का, पता है आप लोगों को? यस सर, मेरा भाई दे रहा है. जी हर स्टूडेंट घर से बैठ के एक्सेस करेगा. तुम्हारा भाई किस लेवल पे? आप ही का स्टूडेंट है. आप उसे जानते हैं? मुश्तबा. मुश्तबा के भाई हो? तुम्हारी आवाज मिल रही है मुश्तबा से यार. बिल्कुल बिल्कुल याद आया. मुश्तबा तो बेचारा P2 में फंसा हुआ है. जी सर बस उसमें फंसे. सही सही सही. आई सी. चले
हमारा ट्रेडिंग इनकम है 1,05,000, हमारा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है 90,000, अलाउंस ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं है, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इसके अंदर भी ऑक्यूपेशनल पेंशन का कोई चक्कर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम इनकम टैक्स लायबिलिटी जब निकालने जाएंगे तो उससे पहले हम कंट्रीब्यूशन वाला रूल अप्लाई करते हैं कि हमारा रिलीफ कितना होगा। तो रिलीफ हमें किसके ऊपर मिलेगा, तो हायर ऑफ हमने निकाला, हायर ऑफ कितना होता है, ए 3600 और बी कितना होता है 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग, तो इससे हायर ऑफ आ गया 105,000। फिर हमने लोअर ऑफ निकाला, लोअर ऑफ था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन था 90,000 और एनुअल मैक्सिमम आ गया 1,05,000 का, तो लोअर ऑफ कितना हुआ, लोअर ऑफ हो गया 90,000, यानी कि कंट्रीब्यूशन जितना था उतना ही हमें बेनिफिट मिल गया, ठीक है। तो आपका जो बैंड एक्सटेंड होगा बेसिक वाला वो कहाँ पहुंच जाएगा, 37,500 प्लस 90,000 is equal to 123,750, am I right? यही होगा या 127 होगा, 127,500, ये आपका बेसिक बैंड पहुंच जाएगा, ठीक है। डबल ए चार्ज की वर्किंग करते हैं, डबल ए चार्ज निकालते हैं, डबल ए चार्ज के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउंस तो सवाल में मना करती है ही नहीं, तो करंट ईयर का 1920 का डबल ए कितना होगा, और जो मुझे कंट्रीब्यूशन मिला है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन करंट ईयर का, वो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन रिलीफ कितना है, वो रिलीफ मिला है 90,000 पे, तो एक्सेस कितना आया, 50,000, जिसको हम कहते हैं डबल ए चार्ज। अब हम इस डबल ए चार्ज पे भी टैक्स लगाएंगे और अपनी नॉर्मल इनकम पे भी टैक्स लगाएंगे, तो हमारी नॉर्मल जो कैलकुलेशन है उसमें हमारी ट्रेडिंग इनकम इस सवाल में दी हुई थी 1,05,000, पर्सनल अलाउंस है ना इसके अंदर, कितना होगा पर्सनल अलाउंस, वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी जरूरत नहीं है, हाँ क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि अगर आपकी ट्रेडिंग इनकम 105 है और आपके पास पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन है तो एएनआई 1,00,000 से कम होगा, ज्यादा से ज्यादा आप एक लाइन लिख दें, सही है, फजूल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ अगर ट्रेडिंग इनकम होती फॉर एग्जाम्पल 1,25,000, 30,000, 40,000 तो फिर आप शायद सोचते कैलकुलेशन करने के बारे में। अब इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, ट्रेडिंग इनकम आ गई 92,500 पे, इस पर टैक्स लगाते हैं, तो बेसिक आपका जो बैंड पहुंच गया था, बेसिक आपका बैंड पहुंच गया था 127,500 के ऊपर, तो ये तो बेसिक में कवर हो गई इनकम 92,500 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये कितना हो गया 18,500। अच्छा उसके बाद जब हम डबल ए चार्ज लगाने गए तो डबल ए चार्ज है 50,000 का, लेकिन इनकम का लेवल तो बेसिक बैंड का 127,500 पे कवर हो गया, तो डबल ए चार्ज का एक पोर्शन दैट इज 35,000 बेसिक बैंड में कवर हुआ, उस पर रेट लगा 20% का, और डबल ए चार्ज का जो दूसरा इम्पैक्ट है 15,000 वाला वो कवर होगा नेक्स्ट बैंड के अंदर और उसके ऊपर लगेगा 40%, और ये बनता है 6,000। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट इनकम और डबल ए चार्ज मिलाकर 6 + 7 = 13,000, 18, 20, 31,000, 31,500, दिस इज द आंसर। Sir? जी
अब तक हम मतलब इस चैप्टर से पहले तक हम जो भी कैलकुलेशंस कर रहे थे उसमें हम ये अज्यूम करते थे कि जो हमारी ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है वही हमारा रिलीफ है, पर अब से हम ऐसे नहीं करेंगे ना, अब से हम हमेशा इसकी कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बाज दफा ऐसा हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ये देखें एग्जांपल, आपका ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है 40,000, लेकिन आपका अमाउंट ऑफ रिलीफ बन रहा है फॉर एग्जांपल सपोज 30,000, जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो टैक्स अथॉरिटी जो आपको बेनिफिट देगी ना 20% का, वो 30,000 पे देगी, 40,000 पे नहीं देगी। इसका मतलब है आप कंट्रीब्यूट कितना करेंगे 40 में से, 6,000 टैक्स वाले कंट्रीब्यूट करेंगे, आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 34,000। और जो बैंड एक्सटेंड होगा वो कितने से बैंड एक्सटेंड होगा, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट 40,000 से बैंड एक्सटेंड कर देते हैं, बैंड एक्सटेंड होगा 30,000 से। तो ये ध्यान में रखना है कि आपका ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और अमाउंट ऑफ रिलीफ बराबर भी हो सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ग्रॉस कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो सकता है और अमाउंट ऑफ रिलीफ कम हो सकता है। चलें इसको